हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों और मेरे बच्चों, क्या खबर है? सब बढ़िया? अप टू लास्ट क्लास इज एवरीथिंग क्लियर? ओके फाइन. नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल मिरर. अभी स्फेरिकल मिरर क्या चीज है? व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर? नाउ टिल द लास्ट क्लास वी हैव गॉट व्हाट इज अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर इज व्हाट? इट इज अ लुकिंग मिरर दैट वी यूज व्हाइल से आपको आईने में खुद को देखने में. हम लोगों के घर में क्या रहता है? प्लेन मिरर यूज होता है. बट दिस स्फेरिकल मिरर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मिरर. ओके, अच्छा, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं एक चीज. सपोज यू कंसीडर अ स्फीयर. ओके, कंसीडर टू स्फीयर. दिस इज वन स्फीयर एंड दिस इज अनदर स्फीयर. ओके, मेरा गोल अच्छे से नहीं है, फिर भी यू जस्ट डोंट लाफ. ओके, नाउ इसमें क्या होता है? अगर तुम अंदर का पार्ट तुम रिफ्लेक्टिंग करते हो, ओके, अंदर का पार्ट तुम क्या करते हो? कवर करते हो, सिल्वर कोटिंग करते हो, तो बाहर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? दैट पार्ट बिकम्स रिफ्लेक्टिंग. और यहाँ पे उल्टा करते हो, तुम अगर एक स्फेरिकल बॉल का बाहर वाला पार्ट को तुम कोटिंग कर देते हो, सो अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? वो रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा. आई थिंक दिस थिंग यू हैव गॉट इन क्लास 8. अभी अगर तुम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन काट के निकालो, हाउ डज इट लुक लाइक? इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. यस सर. और यहां से भी तुम अगर एक छोटा सा पार्ट निकालो तो वो कैसा दिखेगा? ऐसा. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द शेप, डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्लेक्टिंग साइड्स, द mirrors are divided into two parts. Okay, first is your concave mirror. Okay, so this is called what? Our concave mirror. Why it is called concave? Agar tum haath ko aisa karte ho, okay, if this part is the curved part, so that is why this is called concave mirror. Matlab tum agar aaine mein aise dekhte ho khud ko, so this part is reflecting, so that makes it concave mirror. Agar tum khud ko aise dekhte ho aaine mein, if the mirror is this kind, okay, whose belly is coming outwards, okay, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? Convex mirror. We will say it as a convex mirror. Okay? अभी इसको दिखाने के लिए मैंने देखो तुम्हारे लिए बहुत कुछ ढूंढा है. Suppose you see this spoon, have you seen? Okay, देखो इसका एक पार्ट क्या होता है? अंदर की तरफ होता है, जहां से हम लोग चीजें को उठाते हैं. So that part is concave. So we will be considering this part as the concave mirror. और अगर तुम बाहर की तरफ ये देखते हो, जो पार्ट से हम लोग नहीं उठाते हैं, this part, okay? Can you see? Yes. So this part becomes the outward parts. So it is called the convex mirror. Okay? Concave and convex mirror, are they clear? Okay. Next, coming up, we will be discussing the different parts of the concave mirror. Okay? So what are the parts? Suppose, if you consider, I am showing one, the similar will be in case of convex mirror. Suppose, ये एक circle से आया, ये obviously एक circle से आया है. So, circle का जो center होगा, C, यहाँ का जो center होगा, C, that will be our center of curvature. क्या बोलते हैं उसको? Center of curvature. Okay? अच्छा, अभी अगर इसका सीधा सीधी इस पॉइंट का बराबर अगर तुम एक सीधा लाइन पास करते हो इसमें से, ओके, दैट लाइन इज कॉल्ड व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, नाउ इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड द स्ट्रेट लाइन जहां पे ये स्ट्रेट लाइन इस मिरर को टच करेगा, द पॉइंट वेयर this line intersects the curve or the mirror, this point is called the pole of the mirror. Okay? ठीक है? अच्छा, अभी एक फंडा है, एक लॉजिक है. What is that logic? ये अगर एक concave mirror है, suppose. Okay? एक ऐसा चीज होता है कि when the ray goes parallel to principal axis. ये हमारा, ये green color का marker से हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस मार्क करते थे,
if a line, if a ray, suppose यहाँ से आपने टॉर्च मारा, if the ray goes parallel to principal axis, then after reflection it will come out in this way such that it cuts the principal axis at some point. Okay? अगर तुमने यहाँ से भी मारा उसका ray, वो भी कहाँ से जाएगा? इस तरफ से ही जाएगा. यहाँ से मारा, तो भी इस तरफ से ही जाएगा. See that arrow is very important in case of your light. यहाँ से भी एक ही point से. So wherever the ray, अगर तुमने ray को parallel to principal axis भेजा, that means it will pass through a single point that is called the focus. So यहाँ पे focus का कौन सा वाला होगा? ये वाला. So F. This is called the focus. Okay? अभी पोल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P से रिप्रेजेंट करेंगे. So ये देखो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऐसे सर्कल में रेडियस बोलते हैं. तो यहां से इसका जो डिस्टेंस होगा पोल तक उसको बोलते हैं क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, सेंटर, सर्कल का सेंटर, तो यहां का सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस हो जाएगा योर रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, अभी फोकस से, ये तो एफ है, एफ और पी जो है, फोकस और पोल का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ. फोकल लेंथ. ओके, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करता है, फोकस को कैपिटल एफ से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को स्मॉल आर से. ओके, इज दिस क्लियर टू यू? ओके, छोटा सा गड़बड़ हो गया. द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, नॉट स्मॉलर. ओके, अभी देखो ये मैंने बोला क्या, इफ सपोज दिस इज अ कंकेव मिरर, यस और नो? दिस इज अ कंकेव मिरर, दिस पार्ट. व्हेन द रे गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट कन्वर्जेस टू वन पॉइंट, यस और नो? ये अगर मान लो ये ग्रीन कलर का ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, मेरा लाइन स्ट्रेट नहीं हुआ, यू जस्ट मेक द स्ट्रेट लाइन. ओके, इफ इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन गया, यहां से एक लाइन गया, सो दे आर मीटिंग एट द सेम पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट? फोकस. सिंस क्या हो रहा है यहां पे, जहां से भी तुम रे पास करो, इफ इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल मीट एट वन पॉइंट. ओके, सो दैट मींस व्हाट? द रेज आर कन्वर्जिंग एट वन पॉइंट, दे आर joining at one point, right? So the convex concave mirror has also another name. What is the name of the other name of this concave mirror? Since it is converging at one point, so it is called converging mirror. So it is or converging mirror, don't get confused, both are same thing. Okay, abhi dekho agar main ek ye banata hu, if this is a what kind of mirror is this? This is a convex ye to bhul bana diya maine. Agar main convex mirror banata hu, suppose this is a convex mirror, theek hai, iska principal axis bhi suppose yahan se jayega. Abhi dekho ray kahan se aayega? Ray to is taraf se aana padega, because this part is the reflecting part, because here यहां से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज द नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट. अब अगर यहां से रेज जाता है ऐसे, ओके, ये क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा. यहां से रे गया, ये डाइवर्ज हो जाएगा. यहां से रे गया, ये डाइवर्ज हो जाएगा. यहां से रे गया, ये डाइवर्ज हो जाएगा. सो इफ यू सी, कल मतलब लास्ट वीडियो में मैंने जो बोला वहां पे क्या बोला था कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज याद है? The image which appears to meet at a point, उसको क्या बोलते हैं? Virtual image. So देखो यहाँ पे actually में meet नहीं हो रहा, लेकिन इसको अगर extend करोगे, if you extend this and if you extend all of this, they will appear that they are coming from a single point. Okay, so that is our focus here. So since it is diverging, yes, the rays are diverging after colliding with this point. So ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसका और एक नाम क्या होगा बोलो? इसका और एक नाम क्या होगा? डाइवर्जिंग मिरर. डाइवर्जिंग मिरर,
यहाँ पे हम लोगों का फोकस कौन सा था, ये वाला था। और देखो ये एक्चुअली में रे यहाँ पे मीट हो रहा है, सो दैट मींस व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर इज दिस इज व्हाट काइंड ऑफ इमेज, दिस इज अ रियल इमेज बिकॉज इट इज एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट। बट दिस काइंड ऑफ मिरर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, सिंस रे इज नॉट एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट, इट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, सो देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज। तो याद रखना ये वाला इन जनरल वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा, कौन, कन्वेक्स मिरर। इन जनरल ये क्या इमेज प्रोड्यूस करेगा, रियल इमेज। क्लियर इतना तक? बट व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस, वन फॉर्मूला, वन रिलेशन, देयर इज अ रिलेशन, ओके, इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन किस किस का, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ एम कैपिटल आर, ओके। अभी देखो बच्चों, whenever the rays are going parallel to principal axis, after reflection where does it go, it passes through focus, okay, ye focus ho gaya, ye circle ka part hai, ye kaun sa rect mirror hai, it is a concave mirror, okay, ye kaun sa type ka mirror hai, convex mirror। acha yahan pe tum dekho ek cheez noticeable ki yahan pe focus kya hoga, real focus hoga, because the focus you can see, right, यहाँ पे एक्चुअली पास हो रहा है, तो फोकस इज रियल है। बट इन दिस केस व्हाट यू कैन सी, देखो फोकस, ये तो इसका अगर ये सर्कल बना, ओके, ये सर्कल का ही पार्ट है, तो ये जो फोकस है इट इज नॉट रियल, दिस इज अ वर्चुअल फोकस, ठीक है। और एक बात कि देखो तुम, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, सो इसका डिस्टेंस क्या होगा, यहां से इसका डिस्टेंस कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से भी, यहां से इसका डिस्टेंस क्या होगा, पोल तक का डिस्टेंस कैपिटल आर। अभी फोकस से पोल का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। यहां पे भी फोकस से पोल का डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ। अभी रिलेशन क्या है, देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ना वो क्या होता है, टू टाइम्स फोकस। मतलब देखो फोकस का अगर तुम डबल करोगे तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा, एंड दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर बोथ कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो फोकस क्या होगा, आर बाई टू, बोथ आर द सेम रिलेशन। अगर तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है यू कैन फाइंड आउट द फोकस, अगर फोकस पता है तो यू कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो दिस इज द रिलेशन, ओके। अगर और एक क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा टाइप का इमेज फॉर्म करेगा, मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर। देखो ये अगर मिरर है, ठीक है, इसको बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, दिस पार्ट वेयर यू कैन सी योर फेस दैट इज कॉल्ड द इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस इमेजेस विल बी फॉर्म इन दिस साइड, सो इसको बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और यहाँ पे फोकस पीछे है, मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, पीछे, सो ये क्या होगा, बैक साइड ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर, ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना। अभी देखो नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज बाय अ प्लेन मिरर। देखो अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है, देयर आर सिक्स डायग्राम, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन वो कनकेव मिरर में कैसे चेंज हो रहा है। ओ सॉरी, दिस इज नॉट प्लेन मिरर, दिस इज व्हाट, कनकेव मिरर, पहले कनकेव का पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देयर आर सिक्स डायग्राम, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा, सिर्फ यहां पे रूल याद रखना। रूल नंबर 1 मैं लिखूंगा नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड, सपोज दिस इज अ कनकेव मिरर, ठीक है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, फाइन, दिस इज योर पोल। याद रखना ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से फोकस का डिस्टेंस मान लो, फोकल लेंथ निकालना है सो पोल से मेजर करोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है वो भी पोल से ही मेजर करोगे, सो ऑल डिस्टेंसेस इन केस ऑफ कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ओके। अभी थ्योरम क्या है, फॉर्मूला क्या है, रूल क्या है, अगर एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, इफ अ रे गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासेस थ्रू फोकस, ये है रूल नंबर 1, ओके। अगर कोई एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होना पड़ेगा, ये ग्रीन कलर का लाइट का पैरेलल अगर जाता है देन इट ऑलवेज कम्स थ्रू फोकस, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है याद रखना, if this is the again your principal axis
अगर कोई रे सपोज ये अगर एफ होता है तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो भी कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा। ओके अगर ये पॉइंट से गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जहां से आया वही बात में रिटर्न करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। और नंबर थ्री होगा रिवर्स ऑफ दिस। रिवर्स ऑफ दिस इन द सेंस क्या होता है, सपोज दिस इज अ कनकेव मिरर। ओके ये अगर मान लो पहले से प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई रे सपोज फोकस से पास किया, ये तो एफ ये सी है यहाँ पे भी सी बना ही दो, अगर कोई रे फोकस से पास किया सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके दिस टू आर द इंपॉर्टेंट, दिस थ्री आर ओनली इंपॉर्टेंट, दिस इज द रिवर्स ऑफ दिस। अगर कोई रे सिंपल चीज है, फर्स्ट कोई रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया तो वो फोकस से पास करेगा, इफ अ रे गोस थ्रू फोकस देन वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है ये दोनों रिवर्स। और थर्ड केस इट इज इजी टू रिमेंबर, व्हेन द रे गोस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर सो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी कहां से आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है सो आई थिंक तुम लोग क्या करोगे, ऐसे होमवर्क पेज नंबर 178 एसएन में देखो तुम्हारा एक सैंपल प्रॉब्लम है, सैंपल प्रॉब्लम वो वाला करना, वहां पे एक का वैल्यू दिया हुआ है फोकस, तो वहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है या फिर रेडियस दिया है तो फोकल लेंथ निकालना है। ओके दिस इज वेरी सिंपल थिंग दैट यू कैन डू। और तुम लोग यहां से 1 to 5 तो करोगे, क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन जो है ऑरेंज कलर का 1 to 5 करोगे, फिर 6 7 8 9 10 इसमें से देख लेना, जो जो बड़ा बड़ा डेफिनेशन है वो सिर्फ याद कर लेना। ठीक है ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है कॉपी में, जस्ट मेमोराइज इट। ओके मेमोराइज भी नहीं करना पड़ेगा इफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ओके लॉन्ग आंसर नहीं चाहिए, फिर एमसीक्यू करना। ठीक है सो दिस ऑल आर योर होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास। ओके और क्या बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप, एंड आई विल अगेन मीट यू ऑन वेडनेसडे, ओनली फ्राइडे। ओके बाय बाय।